ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। आज का प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर है, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है, कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गंवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पद्मा पद्म गुना जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। ओम शांति।